हेलो एवरीवन, फिर से एक बार स्वागत है आपका इवेंट क्लासेस में। हम आज सीखने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसको शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं। ये चैप्टर 5 है क्लास 10th का। इसके बारे में आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन जानेंगे, जो जो टर्म यूज होंगे इस चैप्टर में, इन्हीं के सहायता से पूरे चैप्टर को सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो स्टार्टिंग का सबसे मेन है, अगर इसे नहीं देखेंगे तो सब बेसिक से क्लियर नहीं हो पाएगा, और जिसके वजह से हम आगे के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, इसके बारे में जानना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, तो इसकी डिफिनीशन होती है। पहले डिफिनीशन हम जान लेते हैं, फिर बात करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एपी। अब जहां जहां टर्म यूज होगा एपी, इसका मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ नंबर ऑफ सीरीज, इज अ नंबर्स ऑफ सीरीज, ऐसी सीरीज है जिसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए नंबर ऑफ सीरीज इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म टर्म इज सेम। देखिए डेफिनेशन क्या बोल रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए नंबर ऑफ सीरीज, ऐसे नंबर्स का सीरीज है इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म। हमारे पास अंडरलाइन करने के लिए क्या है, टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज सेम। कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म लें सीरीज का, उनके बीच में जो डिफरेंस आए वो सेम आना चाहिए। द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज सेम। कोई भी दो टर्म लेते हैं, उनके बीच में डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं, कोई सीरीज बनाते हैं हम खुद से। पहला टर्म क्या लिया हमने, 3 लिया, फिर दूसरा टर्म 5, 7, 9। पहले तो पता होना चाहिए कॉन्जिक्यूटिव टर्म किसे कहते हैं, यूज किया हुआ है हमारे में डिफिनेशन में कॉन्जिक्यूटिव टर्म। कॉन्जिक्यूटिव टर्म पता होना चाहिए, अगर कोई भी दो टर्म, अगर उनके बीच में कोई तीसरा टर्म ना आए, उन दोनों के बीच में कोई तीसरा टर्म ना आए, उन्हीं को बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव टर्म। अगर ये दोनों है टर्म, तो ये दोनों भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, इन दोनों के बीच में कोई तीसरा टर्म नहीं है। ये टर्म क्या हुआ है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म। 7 और 9 क्या है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म है। 5 और 7 क्या है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म है। 3 और 5 क्या है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म है। अब इन तीनों के कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में डिफरेंस चेक करते हैं। 3 और 5 के बीच में डिफरेंस, 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2 आएगा, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म है। 7 और 5 डिफरेंस क्या आया, 2 आया। 7 और 9 के बीच में डिफरेंस 2 आया। तो क्या आ रहा है, डिफरेंस सेम आ रहा है, 2 है यहाँ पे भी 2 है। डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए नंबर ऑफ सीरीज, ये नंबर्स का सीरीज लिखा हुआ है, इन विच जिसमें क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज सेम। दो भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म लें, सारे के बीच में डिफरेंस जो आना चाहिए वो सेम आना चाहिए। डिफरेंस 2 आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि सब में 2 आ रहा है। अगर किसी में अलग वैल्यू आती तो वो एपी नहीं फॉर्म करता, वो सीरीज एपी नहीं होता। इसका मतलब हमारा पहला वाला ये सीरीज क्या है, एपी में है। अगर और एग्जांपल लेना चाहें, 1, 9, 17 up to infinite कहीं तक भी सीरीज जा रही है, इससे नहीं मतलब है। हमारे पास ये है, इसका कॉन्जुगेटेड टर्म क्या होगा, 1 का 9 होगा,
9 का कॉन्जिक्यूटिव टर्म क्या होगा 17। ये दोनों टर्म क्या है कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, ये दोनों टर्म क्या है कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, क्योंकि इन दोनों के बीच टर्म में कोई तीसरा टर्म नहीं आता। जब कोई तीसरा टर्म नहीं आता इसका मतलब वो टर्म क्या होते हैं कॉन्जिक्यूटिव टर्म होते हैं। पहला टर्म क्या लिखा था हमने 9 फिर 1 9 17 अप टू इनफाइनाइट। अब डिफरेंस चेक करते हैं दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म 9 और 1 के बीच में डिफरेंस अगर चेक करेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा 8। अगर 17 और 9 के बीच में डिफरेंस चेक करेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा इन दोनों के बीच में भी 8 आएगा। तो मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस सेम है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। डिफरेंस 8 आ रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सब में डिफरेंस 8 आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है। अगर डिफरेंस ले रहे हैं तो सबके बीच में डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो पहले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डिफिनेशन क्लियर है कि ऐसे नंबर्स का सीरीज है जो कि क्या है जिनके बीच में दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। अगर डिफरेंस सेम है तो वो सीरीज क्या होगी एपी में होगी। सीरीज का मतलब है कि जो क्रम से लगातार नंबर्स लिखे हों एक सीरीज फॉर्म करते हैं, और इन सीरीज के बीच में कोई भी दो टर्म जो लगातार हो एक के बाद एक हो उन्हीं को कॉन्जिक्यूटिव टर्म बोलते हैं। मतलब दो अगर टर्म के बीच में अगर कोई बीच में तीसरा टर्म नहीं है इसका मतलब वो टर्म क्या है कॉन्जिक्यूटिव टर्म है। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो क्या करेगा एपी फॉर्म करेगा। ये नोट कर लीजिए फिर इसे हटाते हैं। अब नेक्स्ट टर्म जो आपके चैप्टर में यूज हुआ है वो है कॉमन डिफरेंस। क्या है कॉमन डिफरेंस, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन डिफरेंस डी। अभी हमने देखा सीरीज कोई लिखा था, मान लीजिए लिखा था 3 5 7 9, ये सीरीज थी। अभी हमने क्या निकाला था दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में डिफरेंस, 5 और 3 के बीच में डिफरेंस क्या आया था 2, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आया था 2, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आया था 2। इसका मतलब ये डिफरेंस क्या है कॉमन है। हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है कॉमन, इसी को बोलेंगे कॉमन डिफरेंस डी। इसको जनरली डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी से या कैपिटल डी से या कोई भी वेरिएबल से यूज कर सकते हैं, लेकिन डी से डिफरेंस होता है। इसलिए हमारे बुक में अधिकतर जनरली रिप्रेजेंट किससे किया है स्मॉल डी से, इसलिए हम कॉमन डिफरेंस को दिखाएंगे किससे स्मॉल डी से और स्मॉल डी से। और इसका मतलब क्या है दो भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में जो डिफरेंस होता है वो कॉमन होता है, ऐसा डिफरेंस जो कॉमन हो उसी को बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, ऐसा डिफरेंस जो हमेशा क्या हो कॉमन हो उसी को बोलेंगे कॉमन डिफरेंस डी। इनमें क्या है डिफरेंस कॉमन है, इनके बीच में डिफरेंस कॉमन है। कॉमन डिफरेंस क्या है सब में डिफरेंस 2-2 आ रहा है जो कि कॉमन है। कॉमन का मतलब सब में सेम है, अगर डिफरेंस सेम है उसी को बोलेंगे कॉमन डिफरेंस डी। पहले हमने सीखा क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फिर उसके बाद कॉमन डिफरेंस। अगर इसकी डिफिनेशन लिखना चाहे तो क्या हो सकता है द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। कहने का मतलब क्या है कोई भी सीरीज एपी में लिखी गई है अगर उनके दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस आता है उसी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं स्मॉल डी से, जनरली स्मॉल डी से या कैपिटल डी से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन जनरली बुक में रिप्रेजेंट किससे किया जाता है स्मॉल डी से, क्योंकि डी से क्या होता है डिफरेंस और कॉमन डिफरेंस, इसलिए डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने कोई एग्जांपल के लिए लिया कोई एपी लिखा 1 5 9 13, ये क्या है ये सीरीज एपी में है कि नहीं पहले ये चेक करेंगे, एपी में है कि नहीं ये चेक करने के लिए क्या करेंगे कोई भी दो टर्म को उठाएंगे माइनस करेंगे, 5 में से 1 माइनस होगा डिफरेंस क्या आ रहा है
4, और 9 में से 5 को माइनस करेंगे डिफरेंस क्या आ रहा है 4, 13 में से 9 को माइनस करेंगे क्या आ रहा है 4 आ रहा है। इसका मतलब हमेशा क्या है, डिफरेंस कॉमन है, 4 इसमें भी आ रहा है 4 इसमें भी आ रहा है 4 है, तो इसका मतलब ये सीरीज क्या है एपी में है, और एपी में होने का मतलब क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस जो डी है वो डी है क्या है 4 है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, एपी के दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में जो डिफरेंस आता है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म कोई भी उठा लीजिए, 1 और 5 ले लीजिए, तो 5 में से 1 को माइनस करेंगे 4 आएगा, 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो भी 4 आएगा। एपी के दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में जो डिफरेंस होता है वही कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। यही डिफिनेशन करें, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वही उसी को कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस की डिफिनीसन थी। दो टर्म हमें क्लियर हो चुके हैं, पहला एपी की डिफिनेशन क्लियर हो चुकी है, सीरीज एपी में कब होगी और कॉमन डिफरेंस कब बोलेंगे। अब यूज होता है हमारे पास फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, एपी का फर्स्ट टर्म किसे बोलेंगे, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। नेक्स्ट टर्मोलॉजी है हमारे पास कि हम फर्स्ट टर्म किसे बोलेंगे, फर्स्ट टर्म किसे बोलेंगे, अगर मान लीजिए कोई सीरीज लिखा था हमने, अभी जो सीरीज लिखा 1, 3, 5, 7, 9 ये सीरीज था हमारे पास, इसका मतलब जो सीरीज जहाँ से स्टार्ट हुई है, 1 से स्टार्ट हुई है, तो 1 को ही बोलेंगे फर्स्ट टर्म है, ये सीरीज का क्या है फर्स्ट टर्म है। और फर्स्ट टर्म को जनरली हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए से, ए 1, 1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, और ए क्या होता है टर्म होता है, ए टर्म होता है उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 क्या है ये बता रहा है कि ये फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी क्या होता है, जहाँ से सीरीज स्टार्ट हुई है वो हमारे हमको बोला जाएगा, हम बोलेंगे उसको फर्स्ट टर्म। अगर मान लीजिए कोई और एग्जांपल लेना चाहते हैं, 4 से स्टार्ट हुई, 4, 8, 12, 16 ये सीरीज एपी में है, क्योंकि कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म लीजिए, 8 और 4 लिया डिफरेंस क्या आया 4 का, 12 और 8 लिया डिफरेंस 4 का, 16 और 12 लिया डिफरेंस क्या आया 4 का, इसका मतलब ये सीरीज एपी में है। और एपी में स्टार्ट कहाँ से हो रही है सीरीज, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, पहला टर्म स्टार्टिंग वाला क्या है 4, इसी को बोलेंगे फर्स्ट टर्म। और रिप्रेजेंट किससे करेंगे, ए वन से रिप्रेजेंट होता है, क्योंकि 1 का मतलब ये है कि ये फर्स्ट टर्म है, 1 का मतलब क्या है फर्स्ट टर्म है। एपी का फर्स्ट टर्म कौन सा होगा, जहाँ से सीरीज स्टार्ट होगी उसी को A1 या फर्स्ट टर्म आप एपी बोलेंगे। ये नोट कर लीजिए, ये फर्स्ट टर्म है, फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल 1 हो गया, ये एग्जांपल नंबर 2 हो गया। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल देते हैं, आपको चेक करके बताना है कि वो एपी में है कि नहीं। देखिए पहला हमने एग्जांपल लिखा 5, 7, 9, 11, 14। अब डिफरेंस चेक करते हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म बनेंगे 7 और 5, इनके बीच में डिफरेंस क्या आएगा हमारे पास 2, 9 और 7 ये भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, इनके बीच में डिफरेंस 2 का है,
इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2 का आएगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 14 में से 11 माइनस करेंगे 3 का आ गया, ब्रेक हो गया ना। हमें कहता क्या है डिफिनेशन कि ऐसा सीरीज जिसमें कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम हो, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म उठाए, अगर ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म तो यहाँ पे 3 आ रहा है, बाकी में तो डिफरेंस सेम है लेकिन यहाँ पे क्या हो गया अलग हो गया, तो इसका मतलब ये एपी ब्रेक हो गया, इसका मतलब ये एपी कभी फॉर्म नहीं होगी, ये एपी नहीं होगी क्योंकि ये सीरीज में कॉमन डिफरेंस क्या है अलग हो गया है, और कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। अब इसमें चेक करते हैं 3 और 5 के बीच में डिफरेंस 2, 5 और 7 के बीच में डिफरेंस 2, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 4, इसका मतलब क्या हुआ फिर से डिफरेंस अलग हो गया, पहले डिफरेंस 2 का था, 2 का था, 4 का था, अब 4 हो गया, इसका मतलब डिफरेंस क्या है कॉमन नहीं रहा, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा एपी में नहीं होगा। अब इसे चेक करते हैं 0 और 2 के बीच में डिफरेंस 2 का, तो ये 2 और 4 के बीच में डिफरेंस 2 का, 6 और 4 के बीच में डिफरेंस 2 का, ये क्या है एपी में है, दिस इज एन एपी। क्या ये सीरीज के बीच में डिफरेंस क्या है हमेशा सेम है, इसका मतलब ये हमेशा एपी फॉर्म करेगा। आगे चेक करते हैं 9 और 3 के बीच में डिफरेंस कितने का है 6 का, इसको माइनस करेंगे क्या आएगा 7, 7 माइनस 7 में से 9 माइनस होगा 8, 1, 18 आया, पहले डिफरेंस 6 आया फिर 18 आ गया, क्या डिफरेंस कॉमन है डिफरेंस कॉमन नहीं है, इसका मतलब डिफरेंस अलग हो गया, जब डिफरेंस अलग हो गया तो ये एपी फॉर्म ही नहीं करेगा। एपी की डिफिनेशन कहती है क्या कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए कॉमन होना चाहिए, कोई भी जो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म ले लें डिफरेंस क्या होना चाहिए कॉमन। केवल यही सीरीज एक ऐसी थी थर्ड वाली कि इसमें हमेशा डिफरेंस क्या आ रहा था 2, 2, 2, यहाँ पे 2, 2 आया लेकिन यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा था 2, 2 आया लेकिन यहाँ पे 3 हो गया, अगर 3 आए तो सब में 3 का डिफरेंस आए या तो 2 का डिफरेंस आए तो सब जगह 2 का डिफरेंस आए, तो वो सीरीज क्या होगी एपी में होगी। अब कुछ सीरीज लिखते हैं जिसमें से फर्स्ट टर्म हमें बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है, कुछ सीरीज लिखेंगे यहाँ पे बेसिक से क्योंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर एक्सरसाइज से करना। एग्जांपल राइट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी एंड कॉमन डिफरेंस। हमें क्या करना है एपी का फर्स्ट टर्म भी बताना है और कॉमन डिफरेंस। तो एपी हमारे पास क्या है, पहली वाली एपी है हमारे पास 4, 5, 6, 7, 8, सेकेंड एपी है 0, 3, 6, 9, थर्ड एपी है 5, 10, 15, 20, up to infinity। देखो पहला एपी का डिफरेंस दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में डिफरेंस 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, सबका डिफरेंस 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट टर्म A1, A1 से रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट टर्म क्या है, एपी कहाँ से स्टार्ट हो रही है वो फर्स्ट टर्म होता है, एपी 4 से स्टार्ट हो रही है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया 4, और डिफरेंस कितना आ रहा है पूरे के बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है कॉमन डिफरेंस 1 आ रहा है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में हमेशा डिफरेंस क्या आ रहा है 1 आ रहा है, इसका मतलब डिफरेंस क्या हो गया 1। फिर से ये एपी क्या है 0 से स्टार्ट हो रही है, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया 0, क्योंकि यहाँ से एपी 0 से स्टार्ट हुई। अब 3 और 0 के बीच में डिफरेंस 3 का है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 3 का है, 9 और 6 के बीच में डिफरेंस 3 का है, इसका मतलब डिफरेंस क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस 3 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट किससे करते हैं डी से, इसका डिफरेंस 3 हो गया। अब यहाँ से एपी इन दोनों के बीच में डिफरेंस 5 का आ रहा है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 5,
20 और 15 के बीच में डिफरेंस 5, हमेशा 5 का डिफरेंस है। इसका मतलब एपी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 5 से, तो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी क्या हो जाएगा 5, और डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस भी सबके बीच में डिफरेंस भी क्या है सेम है, इसका मतलब डिफरेंस क्या है 5 है। तो इसका मतलब हम कोई भी एपी दिया रहेगा तो फर्स्ट टर्म और डिफरेंस आसानी से लिख सकते हैं। यही हमने बेसिक सीखा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, कॉमन डिफरेंस के बारे में जाना, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी के बारे में जाना, ये तीन बातें सीखी है। इन तीनों का यूज करके हम नेक्स्ट एक्सरसाइज अपनी फर्स्ट वाली एक्सरसाइज शुरू करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दी।